हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं हिल ग्रुप स्टेशन पर और यहाँ पर ट्रेन रुके हैं क्योंकि ये स्टीम इंजन ट्रेन है और यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। और दोस्तों, आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये टॉय ट्रेन में आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जहाँ जहाँ ये ट्रेन स्टेशन पर रुकते हैं साथ में वॉशरूम भी है, आपको ट्रेन के बाहर आना पड़ेगा, फिर आपको वॉशरूम मिलेंगे। और दोस्तों, जितने भी स्टेशन पर ट्रेन को रुके हैं, जितने वॉशरूम थे, मैंने जब देखा जितने भी वॉशरूम थे, सारे वॉशरूम बहुत ही क्लीन है दोस्तों, और वाटर भी है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिलता, बहुत जगह ऐसा होता है पानी नहीं है, क्लीन नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लीन है। और मेट्रोपोलम से ऊटी का जो सफ़र है, टाइमिंग है वो 7 o'clock, यानी कि 7 AM को मेट्रोपोलम से ट्रेन छोड़ते हैं और ऊटी करीबन 12 बजे आके पहुँचते हैं। तो करीबन यहाँ पर आपको 5 hours लगता है। तो 1.5 घंटा में जब भी स्टेशन आते हैं तो वो लोग रुकते हैं ट्रेन को। और दोस्तों देखिए, बातों बातों में कितना सुंदर व्यू आए हैं। और आपको आगे की जानकारी भी मैं दूंगी कि ऊटी जाके आपको मोस्टली क्या क्या घूमना है, क्या क्या व्यू पॉइंट है, आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है, तो हमने भी थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लिया, वीडियो भी बना दिया। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, बातों बातों में हम आ चुके हैं कन्नू स्टेशन पर, और ये स्टेशन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पिछली बार भी गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस बार भी गई, मुझे बहुत ही पसंद आए। तो हमने ले लिया यहाँ पर इडली बड़ा और साथ में चटनी और सांभर। इडली बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है, ब्रेकफास्ट के टाइम है, बहुत ही अच्छा लगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि टॉय ट्रेन का टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो हमें कैसे मिल गए। तो दोस्तों, आप जिस डेट पे आप जाओगे घूमने ऊटी, उससे 4 महीना पहले टिकट ओपन होता है, और जिस दिन टिकट ओपन होते हैं उसी दिन ही आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन ओपन हो आप 1-2 दिन बाद भी बुक कर सकते हो, अगर 1-2 दिन मतलब डिले हो गया तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस दिन टिकट ओपन होगा उसी दिन ही आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। और बातों बातों में हम ऊटी पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों, कन्नूर से बारिश स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए ऊटी स्टेशन के। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको ऊटी ट्रेवल रिलेटेड के कुछ जानकारी चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताइए।